Hi friends, for more updates please subscribe and click on the bell. Hi guys, how are you all? Hope you all fine. जैसे आप लोग को पता है कि मेरा चैनल पहले तेलुगु में रहता था, सो मैंने सोचा कि हिंदी में भी इसको बदल दूँ. सो मैंने क्या किया, अपना चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया था कि बीट ऑफ इस तेलुगु एंड हिंदी करके, क्योंकि मुझे हिंदी भी फ्लुएंट से आती है. मैंने सोचा कि हिंदी में भी थोड़ा वीडियो करने से दूसरा लोग को प्लस हो जाएगा. ठीक है, आज मैं आप लोग को मेरे पास जो जो फिश है वो सब दिखाऊंगा और एक्वेरियम का फिश का बारे में भी थोड़ा आपको नॉलेज दे दूंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहला मेरा पास है मॉलिस. मॉलिस तो सबको पता ही होगा क्योंकि ज़्यादातर मतलब एक्वेरियम में मॉलिस या गप्पीज या मिक्सड गप्पीज रखता है, तो ये मॉलिस है. मॉलिस में भी डिफरेंट टाइप्स का होता है. जो मेरे पास था चॉकलेट मॉली एंड ये है स्वाड टेल. जो रेड वाला घूम रहे ना वो स्वाड टेल है. मॉलिस में डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे ये चॉकलेट मॉलिस है. ये सब जैसे नॉर्मल मॉली होता है और बेलून टाइप मॉली होता है, वैसे उसका मतलब साइज और डिफरेंट शेप्स के ऊपर डिपेंड होके सब नेम डिफरेंट होता है. और आप लोग ये भी देखा होगा गौरामिस, इसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स का गौरामिस है मेरा पास. एक तो नॉर्मल गौरामिस है और एक तो किशिंग गौरामी है. जो आप लोग को मतलब मॉली दिखाया ना, मॉली ये आठ टाइप फिश. जनरली फिशेस दो टाइप्स का होता है, एक तो आठ टाइप फिशेस होता है और एक तो वेरी सेंसिटिव फिशेस होते हैं. सेंसिटिव फिशेस मीन्स जो ऑक्सीजन नहीं होके भी मतलब जो जिंदा नहीं रह सकता है उसे हम लोग सेंसिटिव बोलते हैं. जैसे गोल्ड फिश, ज़्यादा जन क्या करते हैं कि ज़्यादा जन गोल्ड फिश को घर में लेकर आते हैं, एक टू बाउल में फेंक देते हैं और पानी दे देते हैं. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. जब भी एक फिश को लेकर आते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं कि स्टोर वाटर रखने वाला, जो हम लोग का स्टोर वाटर होता है ना, दो तीन चार दिन का पहले, उस वाटर को एक स्थान पर रख दो. जब आप माइंड में फिक्स हो जाते हो कि इसे गोल्ड फिश को लेके आना है करके, तब आप क्या करेंगे, जो भी फिश को लेके आएंगे आप एक जो भी स्टोर्ड वाटर होता है, जैसे हम लोग का टैप वाटर, नॉट डेली मीन्स म्यूनसिपल वाटर जो आता है ना, उस वाटर ने जो आपका घर में टैप वाटर होता है उसे दो दिन स्टोर करते हुए एक बॉटल में रख लो. तब उसमें जो भी बैक्टीरिया सब होता है वो सब मतलब थोड़ा क्लीन हो जाता है. जब भी मतलब एक फिश को लेके आएंगे आप स्टोर वाटर में रखिए, ऊपर से थोड़ा नमक होता है ना जो रॉक सॉल्ट होता है वो थोड़ा दे के रखिए, क्योंकि जो भी इसमें बैक्टीरिया होता है तो उसको किल कर देता है. सो ऐसे ही हम लोग का नॉर्मल एक्वेरियम में क्या होता है, गोल्ड फिश रखते हैं, ये सब रखते हैं. सो गोल्ड फिश आप कभी भी रखेंगे तो विदाउट ऑक्सीजन मत रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन मस्ट एंड शुड फॉर गोल्ड फिश. प्रेजेंट मेरे पास तो गोल्ड फिश नहीं है. मैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ बीटा फिशेस में, जो फाइटर फिशेस भी कहता है, और गप्पीज में भी रखता हूँ. और गप्पीज भी फैंसी गप्पीज में रखता हूँ, नॉट मिक्सड गप्पीज जो एक्रम में मिलता है ना, एक्रम शॉप में, वो सब मैं नहीं रखता हूँ क्योंकि वो सब लो क्वालिटी का होता है. सो गौरामी भी ऐसे ही है जो आर्ड फिश है. एंड ये फिश ऐसे है ना, आप जितना भी वर्स्ट कंडीशन में रख दो ये जिंदा रह जाता है. और ऊपर से आप इसको जितना भी खिलाओ या वैरायटी ऑफ फूड फिश फूड्स आप देते रहो, ये सब खा लेते हैं. ये ऐसा फिश है कि सब खाते रहते हैं ये. और जो यहाँ पे ग्रीन वाला मिलता है ना वो टेट्रस बोलते हैं. ये भी विदाउट ऑक्सीजन आप रख सकते हो. ये चिकलेट्स बोलता है, ये सब चिकलेट वेराइटीज है ये सब. ये भी टेट्रा है. और मेरा पास और बीटा है. मेरा पास पहले जबरा फिशेस भी रहता था, लेकिन जबरा फिशेस कई जगह में तो बिना ऑक्सीजन का से भी गुजर जाता है या बिना ऑक्सीजन से भी जी लेता है, और बिना ऑक्सीजन से कभी ना कभी मर भी जाता है. देखिए जो भी चैनल है वो लोग अपना एक्सपीरियंस के ऊपर ही आप लोगों को बताते हैं कि ऐसे फिश को ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे फिश को बिना ऑक्सीजन चाहिए. और जो जो फिश आपको दिखाऊंगा उस सब का ब्रीडिंग मतलब बर्थ सब का डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे आप मैंने आपको मॉलिस और गप्पीज ये सब अभी दिखाने वाला हूँ, वो सब ना डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं. लेकिन जो गौरामी बीटास ये सब होता है ना,
एग्स को देते हैं, कुछ कुछ फिशेस डायरेक्टली बेबीज को देते हैं, लाइक गोल्ड फिश, बीटा, गौरमी, ये सब एग्स को देते हैं। एक बबल बना के, बीटा होने से, अगर गौरमी होने से, एक बबल बना के उसमें बबल में रख के फीमेल और मेल का मेटिंग होने का बाद मेल इसको टेक केयर करके बेबीज को बोन देता है। और जैसे गप्पीज, मॉलिस, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली बेबीज को बोन दे देता है। तो वो सब ब्रीडिंग का ऊपर है, और आगे में फ्यूचर में बढ़ के मैं हिंदी में भी कुछ कुछ वीडियो बनाऊंगा जैसे ब्रीडिंग का, ये सब का। चलो, अभी मेरे पास कुछ बीटा का कलेक्शन है, नॉर्मल बीटा भी है और फैंसी बीटा भी, आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये सब बीटा को हम लोग बोलते हैं कि जंबो बीटा। इसका कान देखिए, कान का सामने मतलब जो ईयर्स है ना, उसका ईयर्स देखिए कि कैसे हिल, तो इसलिए इसको जंबो बीटा बोलते हैं, डम्बो बीटा। ओके, एंड इसका पूछ देखिए पूरा 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए इसको फुल मून बोलते हैं। और जैसे ये ऐसे हिला रहे ना, सीमेंट कलर या सिल्वर कलर का, इसको होम बीटा बोलते हैं या हाफ मून बोलता है। ये भी हाफ मून ही है, और इसे क्रोनटेल बोलता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोनटेल बोलता है, क्योंकि इसका पीसेस पूरा ब्रेक होता है, और कटिंग्स का जैसे मतलब बीच में गैप्स बहुत होते हैं पूंछ का उसमें, तो इसे क्रोनटेल बीटा बोलते हैं। जो ये सब बीटास है ना, बीटास आजकल बहुत डिमांडेड फिश है, बीटास एंड गप्पीस। बीटास इतना डिमांडेड क्यों है, बीटास का अलग ही कुछ स्वैग है। जैसे ये बिना ऑक्सीजन से भी जी सकते हैं 15 दिन, आप अगर पैकेट में इसे बंद करके रखते हैं तो। ये बिना फूड से कम 7 दिन तो जी सकता है। ओके, और बीटा फिश का खासियत ये है कि मेल को हमेशा सिंगल ही रखो। ओके, मेल हमेशा सिंगल ही रहता है, बीटा फिश का यही खासियत है। कि इसको इसलिए फाइटर फिश बोलते हैं क्योंकि मेल हमेशा सिंगल ही रखना चाहिए, नहीं तो ये क्या करते हैं आपस में फाइटिंग करके एक दूसरे को मार जाता है, और कोई ना कोई WWF का जैसे विन हो जाता है। लेकिन आप फीमेल्स को एक साथ रख सकते हो, लेकिन कई कई मैंने ऐसे भी देखा है कि फीमेल्स भी आपस में फाइटिंग करके किसी किसी को मार दे रहे। मेरा केस में तो ऐसा हुआ, एक फीमेल बड़ा था जो दूसरा छोटा फीमेल को मार दिया था। आपको बीटा फिश या फाइटर फिश से रखना है तो मेल हमेशा सिंगल ही रखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप कॉम्बिनेशन मत रखिए। ओके, और बीटास में भी बहुत सारा फैंसी वेराइटीज होते हैं, जैसे ये प्लकर्स, प्लकर्स बीटा इसे हम लोग बोलते हैं। देखिए कितना सुंदर है प्लकर्स बीटा, और ये भी प्लकर्स बीटा, और ये भी फ्लकर्स बीटा है। फ्लकर्स बीटा में मतलब आपको मेल या फीमेल पहचानना बहुत हार्ड है, क्योंकि ना फ्लकर्स बीटा का पूंछ और मेल का फीमेल का सेम ही रहता है। लेकिन जब इसमें भी हम लोग मतलब डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम लोग का बीटा का एक ही कॉमन है कि मेल को एक्सेल नहीं रहता है और फीमेल को एक्सेल रहता है, फीमेल को एक्सेल रहता है। और अब आपको मैं गप्पीस दिखाऊंगा। अच्छा, मेरे पास फैंसी बीटास भी है, जैसे ये फ्लकर्स मैंने बोला ना आपको, ये फैंसी बीटास है, और ये नीमो बीटास है। नीमो बीटास आजकल बहुत डिमांड में जा रहा है, कि बीटा में वन ऑफ दी मीन्स कॉस्टली बीटा विशेष बोल सकते हो आप फ्लकर्स को, या नीमो बीटास को, और हेल बॉय को, और रेड समराई, ब्लैक समराई, ऐसे फिशेस भी होते हैं। मैंने कल ही मतलब एक टू ब्रीडिंग रखा था और सक्सेस भी हुआ था, जो था हेल बॉय। हेल बॉय बीटास मतलब बहुत बहुत कॉस्टली है। इसको मैं ठीक से नहीं दिखा सक रहा हूँ क्योंकि रात में मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो जो कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि बीटास में दी मोस्ट वंडरफुल बीटा आई विल से दैट हेल बॉय। इसका ना मतलब कलर वेरिएशन कुछ और ही लेवल है, इतना खूबसूरत रखता है ना, मैं आपको स्ट्रेट दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि बीटास को सिंगल रखना है, इसलिए मैं सब बॉटल्स में सेपरेट करके रखा हूँ। इतना बीटास को मैं एक एक्वेरियम में तो नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि एक्वेरियम शॉप वाला लोग हम लोग को ये कभी भी नहीं बोलते हैं कि अलग अलग रखो करके, बस वो लोग दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों का नॉलेज भी नहीं है कि सब फिशेज एक साथ रख दो करके, ऐसे बोल दे के कुछ आलतू फालतू का फूड भी दे देते। और मैं एक बात बोलूँगा, जो भी फूड खरीदेंगे थोड़ा कॉस्टली वाला
का फूड कर दिया, क्योंकि ज़्यादा फिशेस क्यों मर जाता है, जो प्रोटीन नहीं होते, प्रोटीन परसेंट कम से कम 32 ऊपर होने से आपका फिश जो भी पालते हो उसका थोड़ा हेल्थ ठीक से रहेगा, नहीं तो वो बेकार में क्या होगा, बहुत मतलब उसका प्रोटीन नहीं मिलेगा, इसलिए उसका क्या होता है, उसका हेल्थ भी ठीक से नहीं होता, मर जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि ये एकरम शॉप वाला हम लोग को उल्लू बनाया और ठीक अच्छा वाला फिश नहीं दिया, ऐसा कभी भी नहीं है। लेकिन उन लोग का जो भी होता है थोड़ा लो क्वालिटी हो जाए, आप जब भी फिश लेते हो तो आपका पास यूट्यूब में सर्च करिए, जो आपका आस पास में सिटी में जो भी फार्म होते वहाँ से ले लीजिए और बल्क में लीजिए। वो लोग सिंगल फिश आपको कभी भी नहीं देते, क्योंकि बल्क में लेने से आपको रेट भी कम करेगा और जो भी आपको फिश मिला बहुत क्वालिटी का मिलता है। जैसे मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ फैंसी का फिश मेरा पास है, और एक टू बात सुनिए, जो नॉर्मल एक्रम शॉप का और फैंसी गप्पीस का, जो गप्पीस होता है ना एक्रम का, मिक्सड गप्पीस और फैंसी गप्पीस, बहुत फर्क होता है। वो इतना रेट कम है, ये इतना रेट ज़्यादा क्यों होता है, ये फैंसी से ज़्यादा इम्पोर्टेड होता है। जैसे ये है डम्बो हेयर गप्पीस, और ये है फुल गोल्ड गप्पीस, ये ब्लैक जेट फीमेल्स है, और यहाँ पे मैंने ब्लैक जेट मेल रखा है क्योंकि ये फीमेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है मेटिंग करके, और इनका भी ब्रीडिंग में जो बहुत जल्दी आप लोग को मतलब बताना है, ऑलरेडी इसका ब्रीडिंग तो हो गया सबका, इसलिए फुल्ली लोडेड है, देखिए फीमेल्स भी लोडेड है, सबका फीमेल्स लोडेड है, ब्रीडिंग हो गया था। सो मैं कुछ कुछ वीडियो तेलुगु में भी रख दिया था, सो अभी से मैं हिंदी में भी आपको मैक्सिमम दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर भी पूरा लोडेड है, ये है कोई गप्पीस, ये इम्पोर्टेड गप्पीस है, कोई रेड गप्पीस, और ये अपना चेला है, ये मतलब जो चॉकलेट मोलिस दिखाया था, मोलिस मेरा पास ज़्यादा था पहले, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे कैसा केयर करना है नहीं आता था, इसलिए मोलिस बहुत सारा मर गया, लेकिन अभी भी जिंदा रहता है क्योंकि अभी मुझे सब पता चल गया है। जैसे ये एक मोली चॉकलेट मोली का बेबीज था, जो चॉकलेट मोली नीचे में घूम है ना उसका ही बेबीज था, मैंने इसे राइज कर रहा हूँ, देखे कितना बड़ा हो गया है, ये 2 मंथ्स हो रहा है इसका पैदा होके, और बाहर में इस गप्पीस का बेबीज भी है, अभी रात हो चुका है तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, और कहीं भी होने से आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और ये है नीमो बीटा फिश, बीटा फिश में नीमो कलर जो फिश होता है ना बहुत बढ़िया होता है, जो रंग बिरंगे होली का तरह उसका बॉडी के ऊपर कलर रहता है। मैं इसके लिए एक तो फीमेल नीमो बीटा भी मतलब लेके आ रहा हूँ इसका ब्रीडिंग करवाने के लिए। इसका ब्रीडिंग तो मैं कन्फर्मली हिंदी में ही करूँगा, क्योंकि बीटा का ब्रीडिंग जो भी होता है जिस मतलब फैंसी या नॉर्मल बीटा जो भी फ्लाकाट बीटा सब का बीटा का एक ही मतलब ब्रीडिंग प्रोसेस होता है, कि एक बाउल ले लो ऐसा वाला थोड़ा सा पानी डालो, नहीं तो बीटा क्या करता है तो ट्रस में आके थोड़ा जगह में ट्रस में आके न्यू लोकेशन का वजह से वो उड़ जाता है, तो थोड़ा ऐसा पानी डालो और एक तो प्लास्टिक कवर यहाँ पे डालो, और पहले क्या करेंगे उसका ब्रीडिंग में तो मेल को पहले डाल दो, उसका थोड़ा वातावरण ऐसा मैच होना चाहिए, उसके बाद फीमेल को एक बॉटल यहाँ पे रख के उसमें थोड़ा एडजस्ट करने दो, दोनों को आसपास देखने दो, जब मतलब दोनों एक दूसरे को ऊपर अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि मेल हमेशा फीमेल के ऊपर अटैक करते हैं, इसलिए हम लोग ब्रीडिंग के सामने इसको मिलाना है और कभी भी नहीं मिलाना है। तो उसके बाद क्या करते हैं, मेल और फीमेल मेट होके ये जो कवर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ अभी आप लोग को समझा रहा हूँ, मैं ब्रीडिंग पूरा दिखाऊंगा नीमो का, ऑलरेडी मैंने हेल्प बॉय का कर दिया था तेलुगु में इसलिए मैं दिखा नहीं सक रहा हूँ। तो उस कवर को मेल बबल्स रखता है, बबल्स रखने के बाद फीमेल और वो मेट करके उसमें हैक्स मेल ही रखते हैं। इसमें क्या मतलब मेन इम्पोर्टेंट है जो बीटा फिश का ब्रीडिंग में, कि हमेशा मेल ही ज़्यादा काम लेता है, बीटा फिश जब भी मतलब फीमेल हैक्स रख देते हैं उस हैक्स को लेके बबल पे रखते हैं, और पूरा हैक्स रखने के बाद फीमेल को हमेशा निकल देना चाहिए, क्योंकि फीमेल प्रोटीन लूज हो जाता है हैक्स रखने का वजह से, तो इसलिए वो फीमेल क्या करते हैं खा लेते हैं, तो इसलिए उसको निकाल के मेल को ही रखना चाहिए। मेल मतलब क्या करते हैं, जो बच्चा होता है ना, जो फ्राइस होता है उसका देखभाल करता है, जब तक पूरा बच्चा नहीं होते मेल को निकल नहीं सकते हो, अगर मेल भी खाने मतलब खा रहा है तो एक्स तब निकल सकते हो, बच्चा अपना खुद ही हो जाएगा एक्स से आ जाएगा। और ये है मैंने रिसेंटली लिया था प्लैटिस,
इसको मिक्की माउस प्लैटिस बोलते हैं, क्योंकि उसका पूंछ देखना, पूंछ में मिक्की माउस का शेप का जैसे होता है। अभी रात हो गया तो मैं दिखा नहीं सक रहा हूँ, इसका पूंछ देखना भाई लोग, कि उसका पूंछ में मिक्की माउस का तरह सिंबल होते हैं। मैं कल सुबह आप लोग को ये पूरा क्लैरिटी से दिखाऊंगा, अभी रात इसलिए मैं दिखा नहीं सक रहा हूँ। इसका पूंछ ना मतलब पूरा मिक्की माउस शेप में रहता है इसका पूछ, तो इसको मिक्की माउस फ्लैटिस बोलते हैं। और फ्लैटिस में भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, रेड कलर फ्लैट ये सब होता है। और बस मेरा पास और दो फिश था, मेरे पास बहुत सारा फिश था, मैंने कुछ मेरा फ्रेंड्स लोग को सील कर दिया था। इसको बोलते हैं फ्लावरन, फ्लावरन और हेरोना, तो एरवाना तो सबको पता है, बहुत फेमस फिशेस है। मैंने फ्लावरन्स का बेबीज, टू बेबीज को लिया था। बेबीज का टाइम हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि फ्लावरन मेल है या फीमेल है, लेकिन इसके लिए एक चीज इम्पोर्टेंट है, जो भी फ्लावरन्स को बेबीज को राइज करता है, फ्लावरन्स का हेड बढ़ाना चाहता है, तो हमेशा ऑक्सीजन रखिए, मस्ट एंड शुड हमेशा ऑक्सीजन रखना पड़ता है फ्लावरन को, क्योंकि ये तभी बड़ा होता है। और हेड के लिए इसका मेनली फूड होते हैं अम्प्टी हेड, हैम्बर, लाइक चिकलेट्स का फूड होता है, ऑप्टिमम 3 in 1 भी दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा आप प्रिफर करिए कि ऐसे हेड जो बढ़ाता है ना ओकिको, लाइक ऐसा फूड ब्रांड्स को, ज़्यादा कॉस्टली ब्रांड्स को आप प्रिफेयर करिए, तब भी आपका मतलब जो फ्लावरान का बेबी होता है जल्दी राइज हो गया, और अगर मेल होने से हेड भी बहुत बड़ा जल्दी बढ़ता है। ठीक है, मेरे पास जो जो फीसेस है मैं सब दिखा दिया हूँ आप लोगों को। और नेक्स्ट से कभी कभी मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। गाइस आप ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, हिंदी में भी आप लोग के लिए मैं हिंदी में भी वीडियो बनाते रखता हूँ, रखूँगा। और